क्लास गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं स्काई ट्यूटोरियल से हूँ। स्काई ट्यूटोरियल कबीर नगर दुर्गा कुंड में है। ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग है और मैं यहाँ पे परत 50 का फर्स्ट राउंड का टेस्ट लाया हूँ। इस टेस्ट में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन बच्चे मैथ, तीन बच्चे बायो, उन सब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा सेकेंड राउंड का जो टेस्ट है वो हमारे सेंटर पे होगा, ठीक है, जिसका नाम है परख 50। से ही आपको समझ में आता होगा अपने आप को परखना है, ठीक है। तो इस जो अभी आप लोग स्कूल में टेस्ट दे रहे हो, इसमें तीन बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैथ्स टीम और बायो टीम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप कार्ड आएगा, ठीक है। दूसरा, जो वहाँ पर टेस्ट हो रहा है हमारे सेंटर को, उसकी डेट है 10 दिसंबर, टाइमिंग 11 से 1 है, ठीक है। और अगर आप उस टेस्ट में अगर अंडर 50 आते हो तो आपको रहना खाना पढ़ना तीनों फ्री हो जाएगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। लेकिन यह एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए कि बनारस से सटे करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रहेंगे, लेकिन आसान भी है। आसान इसलिए कि पूरा एकेडमिक सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, एडमिशन लेना ना लेना डजंट मैटर, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करके अपने लेवल को चेक करो कि हमारी कितनी तैयारी हो पाई है, ठीक है। क्योंकि आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं, 80% पूरा सिलेबस है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 80% पूरा सिलेबस आएगा, बायो का अगर देखें तो बायो से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, पूरा 80% सिलेबस। तो इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा, आपका एकेडमिक जो है इसी बहाने अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दूसरा फायदा, अगर आप गर्ल्स हो, अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो रहना खाना पढ़ना तीनों कोचिंग की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो आईआईटी के बच्चे होते हैं उसके लिए 20% सीटें रिजर्व है, आरक्षण है, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपके जैसे हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो ड्यूअल लैंग्वेज में पढ़ाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, जिससे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती है। जिसका देन है कि हर साल आपके इस रामनगर से, हमारे यहाँ से बच्चा आईटी निकालता है, पीएन कॉलेज रामनगर है, वहाँ से बच्चा लगातार 2 सालों से रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप लोग के स्कूल में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं कोविड से पहले आया था, तो आपके पास भी अच्छा मौका है। आप लोग भी प्लानिंग करो। देखो, सारे बच्चे तेज होते हैं लेकिन बस कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है सबका, ठीक है। तो आप लोग प्लानिंग करो, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमारे यहाँ जो होता है ड्यूअल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, इंग्लिश और हिंदी, जिससे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोग अच्छे से अगर कंटिन्यू रहे, अब्सेंट नहीं किए तो कंटिन्यू, कम से कम आईआईटी, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, अगर आईआईटी सपोर्टेड नहीं निकलते हैं, उसके नीचे एनआईटी है, आपके स्टेट का जो एग्ज़ाम है, क्या कहते हैं पता है, यूपी में जो एग्ज़ाम होता है, AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके नीचे आपके अदर स्टेट के अपने अपने एग्ज़ाम है। मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में अगर आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, MBBS नहीं निकलता है, तो उसके नीचे BMS है, BHMS है, नर्सिंग है, डेंटल है, फार्मेसी से लॉट ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंडिया का दूसरे नंबर का ये एग्ज़ाम है जो आप लोग देने जाओगे। तो मैं चाहता हूँ, देखो, तैयारी से ना आपको कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे आप हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो लो लेवल का जितने एग्ज़ाम है ऑटोमेटिक निकल जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे आपको BA BSc करना होता है, ठीक है, तो CUT का फॉर्म आता है, तो उसका भी जैसे आप हायर लेवल की तैयारी करो, लो लेवल का जितना एग्ज़ाम है, CUT IIT और NEET से लो ही है, ठीक है। अगर आप अच्छे मेहनत करते हो तो आप MBBS कर सकते हो। गाइडेंस हमारा रहेगा, आपका कितना नॉलेज ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग है, तो रिजल्ट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर JEE एडवांस में 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 20,000 रैंक के अंदर 20 बच्चे थे। दूसरा, मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल में 430 बच्चे थे जिसमें से 61 बच्चों का MBBS कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, और 60% UP बोर्ड के बच्चे थे। उसका जीता जागता प्रूफ भी आपके क्षेत्र से है, हम लोगों ने बैनर होर्डिंग सब चीज़ लगवाया था,
2017 में भी एक आपके स्कूल से एक बच्ची थी, मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको दूंगा, मेरे पास वहाँ बैनर पर टंगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी एक हिस्सा बन सकते हो, बस प्लानिंग करना है। जो सपोर्ट होगा मैं स्कूल के माध्यम से आपको करवा दूंगा। जो भी टीचर्स हैं हमारे आइटम्स एंड मेडिकोज हैं और जिनका एकेडमिक एक्सपीरियंस 20 से 25 सालों का है एजुकेशन फील्ड में, और हमारी कोचिंग 15 साल चल रही है और हमारे इंस्टीट्यूट में खास बात 15 सालों से पढ़ा भी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं घबराना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत हायर पैसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप अगर पढ़ने बढ़िया तो मैं फ्री भी पढ़वा सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करोगे उसका आउटपुट हम लोग देंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग भी हूँ, यूट्यूब पे जाएगा, वेबसाइट पर रहेगा, तो ये आप पे प्रूफ है कि मैं अगर बच्चा अगर पढ़ने में बढ़िया है, ठीक है, तो इसका एक मैं टेस्ट लूँगा या ओरली मैं अपने जो टीचर्स उनके सामने एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर आप कर जाते हो तो आपको रहना खाना पढ़ना तीनों फ्री दिलवा देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। 2-3 महीना है, अपने अच्छा से प्लानिंग करो और बोर्ड का तैयारी करो और उसके बाद आप लोग प्लान अप करो। उससे पहले 10 दिसंबर को जो टेस्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम में निकलेंगे वही, सारे बच्चे आ सकते हो आप, ठीक है। तो 10 दिसंबर को प्लान अप करते हैं और आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस है, आप समझो कि बनारस से संडे करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रहते हैं, यूपी बोर्ड CBSE दोनों, ठीक है। तो वो लोग कम से कम आ रहे हैं, तो आप लोग तो वॉकिंग डिस्टेंस, मुझे लगता है अगर साइकिल से जाओगे तो 15-20 मिनट लगेगा। 11 से 1 टाइमिंग है, आपको 10 बजे रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो 10 तारीख का है एग्ज़ाम उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो और आज से अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ज़्यादा समय नहीं, प्रैक्टिस करना है, रिविज़न। आप मुझे लगता है सिलेबस आपका 70% 80% क्लियर होगा, तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा जिस दिन प्राइज देने आऊँगा, क्योंकि मेरे पास में टाइम कम है, आपका भी क्लास चलना है, ठीक है। थैंक यू।